चमका दूंगा इसे, बिल्कुल गोरा करके जाऊंगा आज। हाथी भी कहेगा दिल्ली से आया था कोई नीलाने। भाभी ऊपर बैठ जाओ इसके। इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार ये सामने से, आपको क्या बताऊं, अलग ही फीलिंग हो रही है इसके सामने खड़े होके। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग कर रहा हूं मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट, उसके बाद जाना मुझे हेयर कट कराने। और यहां आप देख सकते हो ये है लास्ट व्लॉग के 10 कमेंट वाले विनर। आपको बता रूल चेंज हो गया भाई, 10 लोगों को मिलते हैं अब 100-100 रुपए, और जो पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं उसके बाद वीडियो से रिलेटेड अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं 10 कमेंट। और सबसे जरूरी बात, आज हम जा रहे हैं शिवमोगा कर्नाटका, हमारी 6 बजे की फ्लाइट है तो पूरी रात आज ऐसी खराब होने वाली है। और ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और जो आने वाले व्लॉग है मतलब जो कल आएगा परसों आएगा वो भी बहुत बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं, तो जरूर देखना। और रात के बज रहे हैं 1:30, और भाभी जी को देखो अभी एयरपोर्ट निकलना है 1-1.5 घंटे में, और आम पे ले जा रहे हैं रात के 1:30 बजे। शाबाश, वो तो मेरी नजर पड़ गई, छुप छुप के खा रही हूँ, मस्त है। अरे खराब जाते हैं इसलिए खा रही हूँ मैं। तो पैक करके ले चलो, वही खा लेना। देखो भाई साहब इतनी वो है हमारी भाभी, क्या बोलते हैं भाभी, खाने की शौकीन है ना। मेरे को आम बहुत पसंद है। हैं देखो भाई रात के 1:30 बजे खा रही हैं, और अभी हमें एयरपोर्ट निकलना है थोड़ी देर में। पैकिंग हो गई? नहीं है। अरे पैकिंग कौन करेगा? आप। और अमित भाई और मैं हो चुके हैं रेडी। दोनों बताओ कैसे लग रहे हैं एयरपोर्ट लुक आज का? मैंने आज अलग ट्राई करा है, मैंने कहा आज व्हाइट शर्ट पहन के चलता तुम्हारा भाई, मस्त एकदम। और ये देखो आम खाते खाते तैयार भी हो गए, वेरी गुड। चलें अब? चलो चलो चलें। ठीक है मम्मी, नमस्ते। ठीक है मम्मी, जल्दी से आ जाएंगे काम वाम खत्म करके सारा। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और अपनी कैब आ चुकी है और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। भूख लग रही है ना सुबह सुबह? और यार सुबह सुबह हो रखा था इतना भयंकर एक्सीडेंट, देख के यार दिमाग खराब हो गया। देखो हे भगवान कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था, मतलब कैसे गाड़ी यूं चढ़ा रखी सुबह ही सुबह, सोचो कोई पी रहा होगा बढ़िया। नशे में टल। हाँ हो सकता है। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो अमित भैया मैंने खाया भाई पराठे वगैरह, और भाभी जी देखो क्या खा रही है, इन्हें कुछ नहीं मिला, कह रही आज ट्राई करूंगी वड़ा पाव। मैंने बहुत चर्चे सुने हैं वड़ा पाव, वड़ा पाव। आप उससे तो इंस्पायर नहीं हो रहे वड़ा पाव गर्ल से, बिग बॉस वाली से। मैं नहीं खाऊंगी, लोगों को पता होगा क्यों नहीं खाऊंगी। अच्छा खा लो खा लो, टेस्ट करो बताओ कैसा है। ठीक है ठीक है, मजा नहीं आया? इतना भी वो नहीं है जितना हल्ला उठ गया बाहर से, भाई वड़ा पाव भाई वड़ा पाव जितनी वो फेमस कर दी। हाँ खामा खामी। और अब नहा धो के थोड़ा रेडी होके व्लॉग बना रहा हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं भाई साहब थोड़ा बाहर घूमने, जहाँ पे हाथी वगैरह है, थोड़ा जंगल है, हाथियों को नहलाओ धुलाओ मजे करो उनके साथ, बहुत ही मतलब बढ़िया जगह है एकदम मस्त। तो अभी हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके सीधा। और भाई ये वाला रूम इन लोगों का है, VIP लोगों का, रेडी हो गए चले अब? चलो। बाथरूम में जकूजी भी है तुम्हारे तो। और ये है रूम के बाहर का लुक, ये देखो अभी बारिश हो रही थी, धूप निकल आई फिर बारिश हो जाती है। हम आ गए हैं भाई ब्रेकफास्ट करने, यहाँ पे इतने सारे आइटम है मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं सुबह सुबह। सबसे पहले पी लेता हूँ वाटरमेलन जूस, ऐसे मिक्स कर लेता हूँ। मेरा भी डालना। क्यों अपने आप आके ले लो। अरे मैं आ रही हूँ। नौकर लग रहा हूँ नौकर। नाश्ते में सबसे बढ़िया चीज गुलाब जामुन। अरे तुम्हारा भाई जब भी बाहर आता है ना थोड़ा फैंसी बन जाता हूँ मैं, अब देखो ऐसे खाना खाता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स भी स्टाइल में, और अगर घर पे होता ना तो कांटा तक यूज छोड़ो हाथ से खा रहा होता। सही कह रहा हूँ ना? अरे फ्रेंच फ्राई मेन में से खा लेना। क्यों अच्छे नहीं है? इतने नहीं खा जाएं। अरे सुनो थोड़े से ना टिश्यू पेपर में रख के पर्स में डाल लो, बाहर खा लेंगे घूमते हुए। अरे बात बताओ सोई में बाबू, उतना ही लिया करो ना जितना खा सको, ये क्या होता है मेरे में से खा लेना। हाँ लेते लाते हो ना। देखो और हमने नहीं खानी होती फिर? नहीं जब इनसे खाया नहीं जाता तो तुम्हारे लिए वैसे नहीं है तुम्हारे लिए। और भाई ब्रेकफास्ट करके हम जा रहे थे शिवमोगा घूमने, अब देखो पिक करने कौन आया है। हक्की पिक्की कम्युनिटी से ये भैया है, आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी से, कह रहे हैं कि आओ चलो आपको घुमा के लाता हूँ अपना जंगल कल्चर, हाथी वगैरह दिखा के लाता हूँ। और ये छोटा सा रोहन भाई है जिसने मुझे बोला था विनय भाई आप जब भी आओ फुल मजे करेंगे घूमेंगे और हमारा कल्चर देखना आप, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घूमने। और हम पहुंच चुके हैं भाई हाथियों से मिलने, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग हाथी हैं आपको दिखाता हूँ सारे,
मस्त हाथियों को निलाएंगे धुलाएंगे हम भी। तो डर सा लग रहा है देख के। क्या डर सा लग रहा है? डर लग रहा है हाथियों को देख के? हाथी के ऊपर बैठ के घुमाऊंगा आपको। अरे मैं बैठी हुई लेकिन पानी में जाएगा तो डर नहीं लगेगा क्या? क्या कह रहे हो मनी भाई? नहीं, वहाँ देखते जाएंगे। हाँ चलो 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 देखते हुए चलेंगे। ये लो भाई इससे मिलो, ये रहा हाथी और ये इसका बच्चा देखो सुंदर सा, और ये इतना सारा लिखा हुआ है जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गूगल कर लेंगे ना तो पता चल जाएगा। और ये वो हाथी है जब फिल्म की शूटिंग होती है ना तो ये सारे बुलाए जाते हैं, मतलब कोई शूट लेना है तो इन सबको बुला लो। क्या कह रहे हो? इनको पता होता है कि शूट हो रहा है? हाँ इन्हें बोल देते हैं ना कैमरा स्टार्ट, ये समझ जाते हैं। जैसे इन्हें पढ़ाया नहीं, हर किसी में आपकी तरह दिमाग नहीं होता ना भाभी। इन्हें पढ़ाया होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। हाँ इन्होंने बीटेक भी करी होती है हाथियों ने। इन्होंने तो एमए की होती है। नहीं पीएचडी कर रखी है। क्या पास में जाएंगे पूछ ले एक बार? हाँ जैसे मर्जी चलते हैं पास में। रोहन एक बात तो बता, तू इतना स्मार्ट कैसे लग रहा आज? रोहन थोड़ा सा शाय बंदा है पर दिल का बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथियों को निला दिया जाए। दांत साफ करेगा क्या उसके? अरे मर्दी लाना तो इधर करना। ये बोलता है ये हाथी ठीक नहीं है इस तरफ। अच्छा डेंजरस है ये हाथी भैया? कह रहे हैं डेंजर है, इधर से निला दो आप। चमका दूंगा इसे बिल्कुल, गोरा करके जाऊंगा आज। हाथी भी कहेगा दिल्ली से आया था कोई निलाने। अभी अभी इसके शैम्पू लगाऊंगा, कंडीशनर लगाऊंगा, फेयर एंड लवली। ज्योति तुम तो निला दो, निलाओ निलाओ, तुम पानी डालो। शाबाश, अरे बहुत बढ़िया। सुन विनय, कभी खुद भी नहा लिया कर ऐसे? मैं भी नहा लिया करूं? क्या करेंगे नहा के, छोड़ो। शाबाश बहुत बढ़िया आप तेरी। सुनो कभी आप घर पे कपड़े धो लो ना इतने मेहनत से तो कपड़े साफ रहे हमारे। मैं मशीन से धोती हूँ। भाभी ऊपर बैठ जाओ इसके। और भाई मनी भाई की सारी फैमिली आ चुकी है। जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन है। ये मेरी बेटी है। हाँ जी। और ये मेरी बेटी है। हाँ। ये मेरी बहन की बेटी है। हाँ जी। ये माँ है। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी से तो मिल लिया मैं। बहुत अच्छा हुआ। जो जो सबसे ज्यादा स्वीट और क्यूट हो ना आंटी जी आप हो फैमिली में। और ये दीदी जी है। दीदी जी नमस्ते। और जीजा जी कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। हमें अच्छा लगा मिल गया यार सबसे। मुझे ना सुनो आपके जैसे बाल करने एकदम। जी हो जाएगा। घने घने मेरे जैसे बन जाएगा, दाढ़ी मूछ भी आ जाएगा और बहुत घने ग्रोथ भी हो जाएगा। कल ना कल एक काम करेंगे, कल लोगों को दिखाएंगे कि मतलब कैसे तेल बनाते हैं। अगले व्लॉग में सारा एकदम अच्छे से दिखाएंगे, सब पूरी दुनिया को दिखा देंगे 108 इंग्रेडिएंट से बनता है। यार मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब भाई हक्की पक्की आदिवासी कम्युनिटी से मिलके सारे इतने प्यारे लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, एकदम बढ़िया। और हाथियों के साथ मस्ती करके अब हम जा रहे हैं जोग फॉल देखने जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। चलो भाई आ जाओ। चलो बच्चों जा रहे हैं। पका दिया बच्चों ने। हाँ मत जाना इधर। ठीक है जी अब मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे दोबारा से। कल कल मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा भी। ठीक है। और भाभी जी कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, भुट्टा खिला दो बस। आज खाओगे आप कर्नाटका का भुट्टा। भाभी जी का क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ तो पिंक आता है, ये ब्लू क्यों है? क्यों है भैया? पिंक बैन हुआ। बंद हो गया? क्यों बैन हुआ? बैन क्यों मालूम नहीं मेरे को। दिल्ली में तो नहीं हुआ ये, दिल्ली में तो पिंक ही बनता है। आगरा चल रहा है, दबा के देख लो एक पैकेट। हमने तो हवा भर रखी है, दबता ही नहीं है। ये 20 रुपए का। भाभी से इंग्लिश में क्या कहते हैं पता आपको? गुड्डी के बाल। हेयर गुड्डी को क्या कहते हैं? आपके दांत पे लिपस्टिक लग गई। हमारा भुट्टा इन्हें भी शेयर कर दिया हमने, दोनों खा रही है मस्त एकदम। शाबाश करो एंजॉय करो। हाँ मौज आ गई, फुल पार्टी हो गई आज तो। भुट्टा पार्टी। और मैं भैया का नाम बताना भूल गया आपको, भैया का नाम है मनी भाई, जैसे वांटेड मूवी में था ना एक गनी भाई। याद है सलमान खान का नाम तो मनी भाई, तो हमारे भाई है मनी भाई। अच्छा मनी भाई ये बताओ जैसे ये चीज आप ऑयल वाली चीज है, ये कब से कर रहे हो आप? ये 4-5 पीढ़ियों से करते रहे। 4-5 पीढ़ियां कर रही है? आप बता भी रहे थे कि हाँ भाई मतलब हमारे जो दादा परदादा थे वो भी दादा परदादा से करते रहे। अरे क्या बात है। जो हम पहले बना के ना गांव-गांव में बेचते थे। अच्छा गांव-गांव में बेचते थे। ऑयल का है? ऑयल तो लेके नहीं आए आप? ऑयल तो मैंने घर पे छोड़ के आया। धोखेबाज धोखेबाज। ऐसी बात नहीं, आप घर पे आ जाओगे तो मैं दे दूंगा। कल दोगे ना? कल दे दूंगा पक्का पक्का। कल दे दूंगा मैं कम से कम 10-15 बोतल लेके जाऊंगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आके लेके जाओ मुश्किल नहीं। रोन देख ले भाई तेरे आगे बोला है, डन है ना? डन।
जोक फॉल से पहले अभी हम आए भाई कुछ खाने, भूख लग गई, पहले कुछ लंच करेंगे बढ़िया सा, उसके बाद पहुंचेंगे। और हम खा रहे हैं भाई दाल तड़का, बटर रोटी और रायता। जल्दी से शुरू हो जाओ, इसी में हो जाऊं, कढ़ाई में, कढ़ाई में बैठ जाओ। इसमें तो मेरा पैर भी नहीं आएगा। क्या सुंदर लग रही है भाई साहब, इतनी सुंदर नदी है। क्या नाम है भैया इसका? इस नदी का नाम है भाई तुंगा नदी। और हम पहुंच चुके हैं भाई लोग बादलों में। अरे क्यूटी, छाता लेके कहाँ जा रही हो? फूल वाला? मैं जोग फॉल्स देखने जा रही हूँ। हम पहुंच चुके हैं जोग फॉल्स, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, पहुंच रहा हूँ मैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, पैदल पैदल चलना पड़ रहा है हमें, गाड़ी दूर लगा के। और हम आ चुके हैं भाई लोग बादलों में। बादल नहीं है ये, फिर जुआ है सिगरेट का। ये जो इतनी भीड़ है ऊपर जा जाके सुट्टे मार रही है। वेरी गुड, तुम भी मार लो, आप भी कर लो। तो देखने जा रहे हैं ना कौन कैसे मार रहा है, अच्छे से मार रहा है या नहीं। ये देखो बादलों के बीच में हम, और बारिश हो गई है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज। मतलब हम जा रहे थे फॉल के देखने, रास्ते में इतनी तेज ज्यादा हो गई बारिश। ये देखो भाई साहब, जबरदस्त हो रही है एकदम। बारिश में भीगते हुए फाइनली पहुंच गए हैं, और जो सुंदर नजारा है सामने का, अलग लेवल पे। ये देखो भाई लोग कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार ये सामने से, आपको क्या बताऊं। अलग ही फीलिंग हो रही है इसके सामने खड़े होके, ठंडी ठंडी हवाएं, गजब। भाई इतनी सुंदर, इतनी मस्त जगह है ये, क्या बताऊं आपको। इतनी ठंडी हवा, मजेदार। थैंक यू भाई, ये मनी भाई लेके आया मुझे इतनी मस्त जगह घुमाने। हक्की करने चले क्या? शिकार करने। हक्की का मतलब होता है भाई शिकार करने। मजेदार यार, मतलब इतना सुंदर, अलग लेवल पे। शिकार कर रहे, उसी का शिकार करने आए। सही बताओ, दाढ़ी खींच दो आपकी। और भाई जोग फॉल से निकल चुके हैं, और रास्ते में लग रही थी प्यास, तो हमने सोचा यहाँ का नारियल पानी पिया जाए। ये देखो एकदम रिफ्रेशिंग और ताजे लग रहे हैं एकदम। पानी वाले निकालना बढ़िया। ये समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। ये यूनिक स्टाइल एकदम अन्ना का, अन्ना स्ट्रो देना। सही बोला। थैंक यू। मैं बोलूंगा हिंदी में, भैया बोलेंगे कन्नड़ा में, एकदम मस्त है। तुम्बा चेन्नागिदे, बाळा चेन्नागिदे नीरु, कुडियक्के सूपर आगिदे। इन्होंने बोला तुम्बा चेन्नागिदे, ना मानम गाना सूपर। ज्योति बोली हरियाणी में। जहर लग गए, मस्त लग रहा है। बहुत बढ़िया। भैया कह रहे हैं हम तो यहाँ पे सीधा मुंह लगा के पी लेते हैं, अब दोनों हम साथ में पियेंगे, ठीक है? हम स्ट्रो से नहीं पीते हैं, ये यहाँ कर्नाटक का स्टाइल है। मेरे से तो पिया ही नहीं जा रहा। लगा आपके में तो है ही नहीं, खाली है। मस्त लग रहा है ऐसे, स्वाद बढ़ गया। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू सबको, राम राम जी। ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग बनाते रहेंगे, और अगला व्लॉग जरूर देखना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और देखने को भी। टड़ा, मैं पतला हो चुका हूं। और अमित भाई पतले हो चुके हैं, मैं भी पतला नहीं, मैं फिट हो चुका हूँ। मैं कॉफी पी रही हूं। पी लो। मैं मस्त हूँ, ना मोटी ना पतली। बढ़िया।